जाने का वक्त आ चुका है। जहन में यही आता है कि जिस रिश्ते को मैं जानती थी, प्यार करती थी, वो शायद अब नहीं रहा। मैं इन ख्यालों के साथ तुम्हें याद नहीं रखना चाहती। हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी यादें सजोई हैं, बस उन्हीं में याद रहोगे तुम। कोशिश करना मुझे भी उन्हीं में याद रख सको। फूल सर आपके गर्लफ्रेंड के लिए तो फूल ले लो। ओनली 25 रुपीज सर, आपके लिए 20 रुपीज। फ्रेश है क्या? बिल्कुल फ्रेश है। पूरे लूंगा तो कितने के देगा?
150 rupees. नहीं 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 200 rupees. स्कूल नहीं जाता है क्या? स्कूल पहले जाता था, अभी नहीं. फिर क्या करता है? कुछ नहीं, फूल बेचता है. कब से बेच रहा है? होगा एक साल. पैसा किसको देता है? माँ को? नहीं, माँ तो मर गई. फिर पापा को? पापा तो बचपन से दिखे ही नहीं. फिर क्या करेगा ये पैसे का? खरीदेगा कुछ? तो कुछ पता नहीं. क्या करेगा पैसे का फिर? इतना कौन सोचता है सर, एक दिन सारे लड़के लोग गणपत घाट को पैसे लेके टंकी पे सोएंगे. सुना है जेल राम के छोले भटूरे बहुत स्वाद होते, एक दिन वो खाऊंगा सर. प्रिय लता, मैंने तुम्हारी कही हुई हर बात गौर से सोची. मुझे हमारे रिश्ते का अंत शायद कभी समझ नहीं आएगा. तुम्हारी कमी तो महसूस होगी, आज कुछ महसूस हुआ, कुछ नया, जिससे दिल की उदासी शांत पड़ गई. तुम्हारा जाना ना होना मैं स्वीकार करता हूं. शायद इस रिश्ते का अंत समझ ही जाऊंगा, आशा करता हूं.